दोस्तों, महाभारत काल में श्वेतकी नाम के एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ करते थे। राजा श्वेतकी ने एक समय दुर्वासा ऋषि के हाथों कई वर्षों तक यज्ञ करवाया था। वर्षों तक लगातार चलने वाले इस यज्ञ में अग्निदेव को घी की इतनी अधिक आहुति दी गई थी कि उसके कारण अग्निदेव जी की पाचन शक्ति क्षीण हो गई थी और साथ ही उनके शरीर का रंग फीका पड़ गया था और इसी कारण अग्निदेव का प्रकाश भी मंद पड़ गया था। अपनी ये हालत देखकर अग्निदेव बहुत चिंतित हो गए थे। उन्होंने अपने आप को सही करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन वो अपने पुराने तेजस्वी रूप को नहीं प्राप्त कर पाए। तब अग्निदेव ने घबराकर परमपिता ब्रह्मा जी की शरण ली और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें एक ऐसा उपाय बताएं जिससे वह अपने पुराने रूप को फिर से प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की स्थिति को देखकर उनसे कहा, यदि तुम पृथ्वी पर जाकर खांडव वन को अपनी अग्नि से जला दो तो तुम फिर से अपने पुराने रूप को प्राप्त कर लोगे। परमपिता ब्रह्मा से यह उपाय सुनने के बाद अग्निदेव पृथ्वी पर चले आए और उन्होंने खांडव वन में पहुंचकर उसे अपनी अग्नि से जलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस खांडव वन में नागराज तक्षक अपने परिवार के साथ रहता था और नागराज तक्षक भगवान इंद्र का बड़ा ही घनिष्ठ मित्र था, इसलिए देवराज इंद्र ने अपने उस मित्र का परिवार और घर बचाने के लिए बहुत ही घमासान वर्षा शुरू कर दी और खांडव वन में लगी उस आग को बुझा दिया। वर्षा रुकने के बाद अग्निदेव ने खांडव वन को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन इंद्रदेव ने वर्षा करके उस अग्नि को फिर से बुझा दिया। इस तरह अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने का प्रयास किया, मगर देवराज ने हर बार पानी की वर्षा कर उनके इस प्रयास को विफल कर दिया। तब अग्निदेव बहुत ही निराश हो गए और वापस परमपिता ब्रह्मा की शरण में आ गए। अग्निदेव ने ब्रह्मा जी को बताया कि देवराज इंद्र उन्हें खांडव वन जलाने नहीं दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव तुम्हें वह वन कभी नहीं जलाने देंगे, इसलिए उस वन को जलाने के लिए तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता लेनी पड़ेगी। उनकी सहायता के बिना तुम उस खांडव वन को नहीं जला पाओगे। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब महाराजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ देकर युधिष्ठिर को वहां का राजा बना दिया था। इंद्रप्रस्थ का राज्य पाकर पांडव बहुत ही खुश थे और चैन की बंसी बजा रहे थे। पांडवों को खुश देख उनके मामा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण भी बहुत खुश थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ खुशी मनाते हुए इंद्रप्रस्थ से दूर यमुना नदी के किनारे जल विहार कर रहे थे कि तभी अग्निदेव एक ब्राह्मण का रूप रखकर उन लोगों के पास आ गए। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से पहले अपनी मदद का वचन ले लिया था और उसके बाद अपना असली रूप दिखाकर उन्होंने कहा कि इंद्र मुझे खांडव वन जलाने नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों इंद्र को रोककर खांडव वन जलाने में मेरी मदद करें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अग्निदेव को मदद करने का वचन दे चुके थे, इसलिए अर्जुन ने अग्निदेव से यह विनती की कि मैं और श्री कृष्ण तो यमुना नदी में अभी जल विहार कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास हमारे कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, बिना अस्त्र और शस्त्र के हम देवराज इंद्र जैसे बलशाली योद्धा को कैसे रोक पाएंगे। दोस्तों, शक्तिहीन हो चुके अग्निदेव अपने पुराने रूप को पाने के लिए और देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए अर्जुन की यह बात सुनकर अग्निदेव ने तुरंत वरुण देव का स्मरण किया तो वरुण देव तुरंत ही उन तीनों के सामने प्रकट हो गए। तब अग्निदेव ने वरुण देव से विनती की कि तुम्हें राजा सोम ने जो अक्षय तर्कस और गांडीव दिया था, वह गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस तुम अर्जुन को दे दो। दोस्तों,
उस समय अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को गांडीव धनुष और अक्षय तरकश के साथ साथ एक दिव्य रथ भी दिलवाया था, जिसमें मन की गति से चलने वाले गंधर्व देश के घोड़े जुते हुए थे और साथ ही कृष्ण जी को एक कमोद नाम की गदा और चक्र भी दिलाया था। गांडीव जैसे अनोखे धनुष और अक्षय तरकश को पाकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए थे और तब उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर देवराज इंद्र के साथ एक भयंकर युद्ध कर उन्हें रोका था, जिससे अग्निदेव खांडव वन जलाने में कामयाब हो गए थे और उन्हें अपना पुराना रूप फिर से प्राप्त हो गया था।